रामनवमी के दिन अपने अपने घर पर ध्वजा गाड़ते हैं, राम का पूजा करते हैं, तो आप भी राम का पूजा कीजिए। उसको वोट से क्या लेना देना है, सरकार बनती है मंदिर बनवाने के लिए। आप भी बताइएगा ना कि रोजगार के लिए आपने क्या किया। तो मंदिर पर वोट मांग रहे हैं, अरे मंदिर पर वोट थोड़ी मिलता है। अगर मंदिर पर वोट मिले तो हम सांसद हैं यहाँ की, हम एक मंदिर बना दें और उस पर कह दें कि भाई मंदिर बना दे लिए, वोट दे दें। सुबह से शाम तक मंदिर मंदिर मंदिर, ठीक है मंदिर बनवाइए, बहुत अच्छी बात है। मंदिर बनवाने से वोट मिल जाता तो मैं भी किसी जगह मंदिर बनवा लेता अपने क्षेत्र में और उसी के नाम पर जीत जाता। अरे वोट मांगने के लिए आपको काम करना होगा, विकास करना होगा, सड़कें बनवानी होगी, बेरोजगारी दूर करना होगा। ललन सिंह नरेंद्र मोदी को समझा रहे हैं कि वोट कैसे मांगी जाती है। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जेडीयू सांसद ललन सिंह मुंगेर में थे और मुंगेर में जिस तरीके से हीटर के गर्मी के आगे ललन सिंह नरेंद्र मोदी पर फायर हो रहे थे वो बता रहा था। भले ही मौसम में काफ़ी ठंडक है लेकिन ललन सिंह काफ़ी फायर हैं, कारण नरेंद्र मोदी से ललन सिंह गुस्से में है। ये गुस्सा पीएम मोदी के झूठे वादों से है। पीएम मोदी जवाब नहीं देते हैं, काम नहीं करते हैं, देश की हालातों पर चर्चा छोड़कर मंदिर मंदिर का रट लगाए हुए हैं। मंदिर से किसी को विरोध नहीं है लेकिन मंदिर से लोगों का पेट नहीं भर सकता है। लोगों को विकास के मुद्दे पर बात करना होगा। केवल मंदिर से वोट मांगकर क्या यह मैसेज देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री बनने के लिए आप वोट मांग रहे हैं, मैं एक सांसद बनने के लिए वोट मांगता हूं, लेकिन वोट मांगने का तरीका दोनों का विकास का होना चाहिए, ना कि केवल मंदिर का। सुनिए ललन बाबू काहे हीटर के गर्मी में फायर हो रहे हैं। लेकिन मंदिर से वोट का क्या लेना देना है? हम सब लोग हिंदू धर्म को जो मानते हैं उसे श्री राम की पूजा करते हैं। हम सब लोग अपने अपने घर में रामनवमी के दिन अपने अपने घर पर ध्वजा गाड़ते हैं, राम का पूजा करते हैं, तो आप भी राम का पूजा कीजिए। उसको वोट से क्या लेना देना है, सरकार बनती है मंदिर बनवाने के लिए, कि केंद्र की सरकार बनी है जनता की समस्याओं से जूझने के लिए। और जनता की समस्या है आज महंगाई, आज है बेरोजगारी, आज है देश की अर्थव्यवस्था, तो उस पर ना जनता को बताइए कि रोजगार का जो वादा आपने किया कितना रोजगार दिया, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप तो वोट मांगने जा रहे हैं ना, फिर 5 साल के लिए आप शासन करेंगे, तो 5 साल के लिए शासन करने के लिए जनता से रोजगार, महंगाई, इन सब चीजों पर ना बात करनी चाहिए कि हमने ये किया और आगे हम ये करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, रोजगार का वादा किया उन्होंने, रोजगार दिया कि नहीं दिया? लाखों लोगों को देश में इतिहास है क्या कि लाखों लोगों को गांधी मैदान में से नियुक्ति पत्र बांटा जाए? 2 राउंड तो बट गया। अब यह भी फैसला कर दिया लोक सेवा आयोग ने, हर साल शिक्षकों की बहाली होगी, हर साल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग में परीक्षा होगी। तो रोजगार का तो ये मतलब होता है, तो आप भी बताइएगा ना कि रोजगार के लिए आपने क्या किया। आप ये बताइएगा ना कि भाई जो देश का निजीकरण आपने किया, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, पोर्ट, बंदरगाह, सब आपने निजी हाथों में दे दिया। सेना में बहाली को खत्म करके भी क्या कह रहे हैं उसको, अग्निवीर बना दिए 4 साल के लिए। तो ये सब रोजगार का आपका नजरिया है, तो ये सब बता रहना चाहिए। तो मंदिर पर वोट मांग रहे हैं, अरे मंदिर पर वोट थोड़ी मिलता है। अगर मंदिर पर वोट मिले तो हम सांसद हैं यहाँ के, हम एक मंदिर बना दें और उस पर कह दें कि भाई मंदिर बना दे लिए, वोट दे दें। अरे भाई हम भी वोट मांगते हैं, हम भी सांसद हैं, आप तो देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट मांग रहे हैं, हम एक सांसद बनने के लिए वोट मांगते हैं, तो हम रोड बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, बिजली लगवाते हैं,
नली बनवाते हैं, गली बनवाते हैं, विकास का काम करते हैं, जनता से जाके कहते हैं कि भाई ये काम हमने किया 5 साल में, अब आगे अगर हमको मौका दीजिएगा तो हम ये काम करेंगे। तो ये ना तरीका है वोट मांगने का जी प्रजातंत्र में, और क्या है। तो सुबह से शाम तक मंदिर मंदिर मंदिर, ठीक है मंदिर बनवाइए, बहुत अच्छी बात है, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा। सर्वधर्म, इस देश में सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, इसलिए कि इसके संविधान में लिखा हुआ। लेकिन आप इस तरह का प्रचार करके समाज में धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, भावना भड़काने का प्रयास करते हैं और भावना भड़का के वोट लेना चाहते हैं। तो ये भावना भड़का के वोट पर कितना चलेगा, 10 साल तो चल लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।